इसमें दुकान वाले और मैकेनिक दोनों कर दिए भारी गलती, जिसके कारण ये एसी चल ही नहीं रहा है। इसको इंस्टॉल हो गया एक दो दिन, हमारे पास कंप्लेन आया था, ये चल नहीं रहा। इसमें कुछ कोड दिया गया है जो सीबीयू कोड है, जिसको नहीं मिलाने के कारण ये चल नहीं रहा है। यहाँ पर इसका इंडोर लगा है, देखिए बाहर यहाँ पर इसको आउटडोर लगा है। और यहाँ तब बताओ भैया, मैकेनिक के रैपिंग के पैसा ना देबू तो कहाँ से रैपिंग कर, तो ऐसे छोड़ दिया है। पर इसको तो कोड मिलाने ले चाहिए था, कोड नहीं मिला है आ चल गया। आज ऑन के से चला, उसके बाद फिर चलवे नहीं किया, फिर वहाँ से वो कॉल नहीं रिसीव किया। बाद मालूम चला था इंडोर और आउटडोर पर दोनों पर कोड दिया जाता है। देखिए यहाँ पर ये आ गया है, यहाँ पर कुछ सीबीयू कोड है, अगर दोनों मिल रहा है तो इंस्टॉल करेंगे, न मिला है तो इंस्टॉल नहीं करेगा। यहाँ पर हमने फोटो खींच के मिलाया तो मिलवे नहीं किया, तो भाई चलेगा कैसे, जब कन्या दुल्हा मिलवे नहीं करेगा तो कैसे बनेगा संघत। तो नहीं मिला तो नहीं सिग्नल मिला, इसके कारण ये नहीं चला। अब इसको हम चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 31 दिया गया लास्ट में, और उसमें दिया गया था 45, ठीक है। और यहाँ पर ये आ गया है, और इसको चेंज करना है, इसके जगह पर उसको लगाना है, उसको जगह पर उसको, यानी आउटडोर जो यूनिट लगा उसको खाली चेंज कर देंगे गैस रिवर्स करके, तो ओके हो जाएगा। आकाश में तो बहुत बढ़िया बादल छैले हैं। यहाँ पर 500 PSI गेज लगा दिए मशीन को चालू करके। यहाँ पर देखिए 150 PSI चल रहा है बैक प्रेशर, ठीक है। अब इसको जो है पतरा वाला लाइन उसको क्या करेंगे, बंद करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसको बंद करेंगे और उसके बाद फिर मोटका लाइन को बंद करेंगे। देखिए पतरका बंद करेंगे तो धीरे धीरे गैस कम होने लगा। ये देखिए भाई साहब जी कम हो रहा है, ऐसे धीरे 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 यहाँ पर आ जाएगा जीरो पर, ये आ गया जीरो पर। अब इसको मशीन को, इसको टाइट करने के बाद मशीन को बंद कर देंगे हाली हाली इसको स्पीड से। और ये देखिए हमने कर दिया बंद, देखिए ये सब मिस्टेक आप नहीं करिएगा, क्योंकि इसका गैस इसी में कर देते, उसका गैस फिर चलाएंगे हम इसको। और यहाँ पर इसको कर दिए ओके, और मीटर में हो गया जीरो शो करा, यानी गैस इसमें नहीं है। अब इसको खोलेगा तो इसमें से गैस आपको बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। ताकि आपको खोलना नहीं, फिर बंद कर देना है। ये सेम कोड का आउटडोर यूनिट आ गया है, अब इसको डालेंगे स्टैंड पे और इसका इसको साफ करके इसको पैक करके उसको भेजा देते हैं। इसको हमने चढ़ा देंगे अच्छा तरीके से, इसको टाइट करेंगे और फिर इसमें गैस को चालू करेंगे। देखिए सेम कोड मिला कर इंस्टॉल करिएगा, नहीं तो फिर आपको भारी पड़ जाएगा। कोड नहीं मिलेगा फिर चलेगा नहीं, जब अच्छा तरीका से सक्शन और डिस्चार्ज पाइप को कस देंगे, फिर वायर को कनेक्ट कर देंगे और फिर इसमें वैक्यूम करके और इसको गैस चालू कर देंगे। और यहाँ पे ओके हो गया और बहुत अच्छा ही वर्क कर रहा था, आउटडोर का फैन चालू हो गया। ये सेम कोड का था, दोनों आउटडोर इंडोर का सेम कोड मिलने के कारण ये ओके चल गया, नहीं तो फिर यही दिक्कत आता, ठीक है दोस्तों।